हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज फिर से एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में माय सेल्फ डीके सोनवाल। एंड आप जैन नर्सिंग क्लासेज को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जो दिख रहा है उसको ऑल पर प्रेस कर ले ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट है वो मिस ना हो सके। और दोस्तों, यहाँ पर मैं लेके आ गया हूँ आपको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक लेटेस्ट अपडेट्स, जो कि बहुत अच्छा अपडेट होने वाला है गाइज आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी है वो परमानेंट है दोस्तों। कैसी है? परमानेंट। और सबसे खास बात इस वैकेंसी की मैं बता देता हूँ कि ऑल इंडिया कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उससे भी अच्छी चीज़ मैं आपको इस वैकेंसी के अंदर बताऊंगा कि यहाँ पर GNM बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी एमएससी नर्सिंग ऑल कैंडिडेट आर अप्लाइड हियर। ओके, सो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ किस नाम से है हमारा। लेट्स सी, देखते हैं। तो चलिए, टेलीग्राम ग्रुप है वो हमारा, ज्वाइन कर सकते हो आप। ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, आप देख सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन है वो मिलते रहते हैं, PDF वगैरह, ऑफिशियल न्यूज़, सब कुछ। तो आप हमें यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो गाइज। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का ट्विटर हैंड, वो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल आईडी बता देता हूँ मैं, आप देख सकते हो DKSonwal23। तो चलिए, यहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो गाइज। उसके बाद में बात करेंगे अपन, चलते हैं ऑफिशियल अपडेट के ऊपर ही। तो ये आ गया अपना ऑफिशियल PDF वापस से, और यहाँ पर देख लेते हैं गाइज। जनरल एंड बैकलॉग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, डिटेल एडवर्टाइजमेंट के अंदर बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सैलरी रहेगी, मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जो सैलरी रहेगी वो 4600 ग्रेड पे पर रहने वाली। कितनी? 4600 ग्रेड पे, 7th CPC पे रहेगी। कितने पे? 7th CPC पे। मतलब आपका जो एम्स के अंदर कितना बनता है, 44,900 कितना बेसिक होता है, कितना क्या होता है बेसिक। उसके बाद में HR, TAD, वॉशिंग अलाउंस, नर्सिंग अलाउंस एक्सेट्रा जोड़ जाड़ के आपका बन जाता है 80 80, कितना? 80,000। 80,000 रुपये पर मंथ आपको स्टार्टिंग मिल जाता है यहाँ पर सैलरी। और डिपेंड करता है आपको HR पे कि आप किस सिटी के अंदर हो, तो वो थोड़ा सा डिफर रहता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी। ओके, तो यहाँ पर बात करेंगे, मैं आपको सिंपली यहाँ पर रीड नहीं करूँगा, आपको सिंपली भाषा में बताता जाऊँगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा और वहाँ से आप फॉर्म में वो अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या रहेगा, CBT एग्जाम रहेगा, और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है, कब स्टार्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दें। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट KGMU वेबसाइट फॉर द डिटेल शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर अप्लाइंग द पोस्ट अंडर जनरल एंड बैकलॉग रिक्रूटमेंट। यहाँ पर इसलिए ये दिया गया है, अभी आप सोच रहे होंगे वैकेंसी नहीं आई, ऐसा नहीं, वैकेंसी आ चुकी है, बट यहाँ इसलिए दिया गया है कि आपको रेगुलर विजिट करना है, बिकॉज यहाँ पर जो शेड्यूल है इसका, अप्लाइंग शेड्यूल है कि फॉर्म आपके एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रहे हैं और कब उसका लास्ट डेट है ना, तो वो अभी तक शेड्यूल इन्होंने जारी नहीं किया है इस नोटिफिकेशन के अंदर, इसलिए यहाँ पर बताया गया है ये आपको रेगुलर विजिट कर देना। आपको रेगुलर विजिट करने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं आपके लिए रेगुलर विजिट करने के लिए। ओके, तो डोंट वरी, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, मतलब CUET एग्जाम विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज ओनली। मतलब यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपका पेपर इंग्लिश में भी आएगा दोस्तों और हिंदी में भी आएगा, तो एग्जाम को मिस नहीं करना है, एग्जाम फॉर्म जरूर भरना है इसके अंदर। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग ऑनलाइन, तो क्या क्या प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने का वो मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बताऊं। फिर भी आप देख सकते हो 5 स्टेप यहाँ पर रहने वाली हैं आपके एप्लीकेशन प्रोसेस की। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फिलिंग डिटेल इन द ऑनलाइन फॉर्म, अपलोडिंग कैंडिडेट फोटो, साइन एंड डॉक्यूमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड स्पेस, पेमेंट ऑफ फी थ्रू द डेबिट क्रेडिट और ऑनलाइन बैंकिंग और UPI गेटवे एक्सेट्रा, प्रिंट आउट द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। एंड आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ सबसे खास बात इस वैकेंसी की, कि आपको जो हार्ड कॉपी है, जो प्रिंट कॉपी है, वो आपको सेंड करनी पड़ेगी। द कैंडिडेट कैन कंप्लीट ऑल द अबव मेंशन प्रोसीजर एट वंस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसको आपको हार्ड कॉपी का प्रिंट लेना है, वो प्रिंट आपको सेंड
देना है, सॉरी मैं अभी बताऊंगा इसके बाद में, अभी आएगा इसमें, मैं किसी और वैकेंसी के बारे में बता दिया शायद, सॉरी। द कैंडिडेट हैज़ टू क्लिक ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट डिटेल द KGMU। इस पर आपको रेगुलर विजिट करते रहना है, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको पहले ही बता चुका हूँ, www.kgmu.org। ओके, इस पर आपको विजिट करना है और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ जो एज क्राइटेरिया रहेगा आपका, वो 18 to 14 या 40 ईयर्स रहने वाला है। देन इफ यू बिटवीन द 18 to 40 ईयर देन यू विल अप्लाई हेयर। ओके, सो आगे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। आप देख सकते हो ये जनरल रिक्रूटमेंट है और नीचे दिया गया वो बैकलॉग रिक्रूटमेंट है। तो जनरल रिक्रूटमेंट की हम बात करेंगे तो जनरल रिक्रूटमेंट के अंदर जो नेम ऑफ पोस्ट है वो नर्सिंग ऑफिसर है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ दिया गया है, आप रीड कर सकते हो एडवर्टीजमेंट नंबर। एंड यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे किसकी, जनरल रिक्रूटमेंट की, नॉट बैकलॉग रिक्रूटमेंट। तो जनरल के अंदर हम बात करेंगे तो 1276 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। और यहाँ पर कैटेगराइज करें इनको तो SC की हैं, शेड्यूल कास्ट की हैं वो 268 हैं, एंड शेड्यूल ट्राइब कास्ट की बात करें तो 26 हैं, एंड OBC की बात करें तो OBC की यहाँ बात करें तो 304 है। EWS की बात करें तो यहाँ पर 128 है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 510 है। दोस्तों यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल एज पर 7th CPC मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपका बेसिक रहेगा वो 44,900 से लेके 1,42,400 तक रहने वाला है। इसका मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपका 44,900 आपका बेसिक रहेगा। कितना 44,900 आपका बेसिक रहेगा, इसमें आपका HRA TDA और नर्सिंग अलाउंस वॉशिंग अलाउंस एक्सेट्रा मिला के आपके जो मंथली पेमेंट बनेगा, मंथली जो सैलरी बनेगी वो आपकी 80,000 मतलब 80,000 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पर मंथ होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे, चलो यहाँ पर ही बता देता हूँ जो बैकलॉग के अंदर है वो सेम ही रहेगा ना, सेम ही क्वालिफिकेशन रहेगी आपको। यहाँ बैकलॉग के अंदर 15 वैकेंसी है मात्र, कितनी 15 वैकेंसी है। कैटेगराइज यहाँ पर किया गया है 11 SC की हैं और OBC की हैं वो 4 हैं, टोटल 15 वैकेंसी हैं। दिव्यांगजन की यहाँ पर पोस्ट है वो 3 हैं, तो वो देख लेना अपने हिसाब से। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट और पोजीशन, टोटल पोस्ट कैटेगरी वाइज पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज तो ये हो सकता है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सैलरी एप्लीकेबल एज पर द रूल ऑन आइडेंटिफाइड पोस्ट और RR ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो RR एप्लीकेबल होंगे वो RR ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के होंगे, नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज दिस वैकेंसी इज स्टेट गवर्नमेंट नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं यदि आप आउट ऑफ उत्तर प्रदेश से हो, अदर स्टेट से हो, जो उत्तर प्रदेश के हैं जो UP से हैं वो तो अंडर कैटेगरी आएंगे, जो रिजर्व कैटेगरी है वहाँ की, जैसे SC है, ST है, OBC है या फिर EWS है, तो वो तो किस में जाएंगे, अंडर कैटेगरी जाएंगे, उनको रिजर्वेशन मिलेगा, उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अकॉर्डिंग टू कैटेगरी और RR ऑफ उत्तर प्रदेश, तो वो सारी चीज़ें उनको मिलने वाली हैं। लेकिन जो अदर स्टेट के हैं उनको क्या है, उनको क्या बेनिफिट है, उनको यही है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी 510 जो पोस्ट है उन पे आप अप्लाई कर सकते हो और आप सेलेक्ट हो सकते हो, 80,000 महीने के आप भी कमा सकते हो यहाँ से। यहाँ पर देख सकते हो एस्पायरिंग एप्लीकेंट्स इफ सैटिस्फाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रेस्पेक्ट कैन सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक विल बी अवेलेबल KGMU, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए फीस की बात कर लेते हैं बिना टाइम गंवाते हुए। तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो फीस रहेगी, एप्लीकेशन चार्जेस रहेंगे वो 1000 प्लस 18% GST और 18% GST रहेगा, 1000 का 18% GST 180 होता है, देन 1000 1180 आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में OBC और EWS की बात करें तो यहाँ पे भी 1000 और सेम यहाँ पर रहने वाला है। SC ST एंड PWD की बात करें तो 600 और 18% GST लगा के 108 हो जाएगा, तो यहाँ पर 708 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी फ़ीस है वो लगने वाली है दोस्तों। उसके बाद में ये जो भी है वो एज रिलैक्सेशन वगैरह है वो RR ऑफ उसका है उत्तर प्रदेश का, तो ये अदर स्टेट वालों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी का मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कॉल लेटर एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाई द पोस्ट। ठीक है, आपके
कॉल लेटर है, एडमिट कार्ड है, वो आपके पोस्ट के द्वारा नहीं दिए जाएंगे, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करने पड़ेंगे। एज लिमिट मैं आपको बता चुका हूँ, 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है यहाँ पर, इन केस ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन द 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस इन लैंड फील्ड रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स एज पर द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ये छोड़ो, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद में हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो आप यहाँ देख पाएंगे क्वालिफिकेशन के अंदर, चाहे तो वो जनरल रिक्रूटमेंट हो चाहे वो बैकलॉग रिक्रूटमेंट हो, बिकॉज सेम जो पोस्ट है वो सेम है, और प्रीवियसली इसको एज सिस्टर ग्रेड सेकंड के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग ऑनर ऑनर्स और बीएससी नर्सिंग और आपका पोस्ट सर्टिफिकेट बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग यदि आपने किया है और आप रजिस्टर्ड हो क्या आरएन एंड आरएम एनी स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या तो एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। साथ ही साथ एक और देख लेते हैं पॉइंट, डिप्लोमा किया है आपने नर्सिंग के अंदर, मतलब डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मीन्स जीएनएम फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और आप रजिस्टर्ड हो एज आरएन एंड आरएम एनी स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल और आपके पास 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी सब अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर बात करें गाइडलाइन प्रोसीजर फॉर जनरल एंड बैकलॉग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर फुल एडवर्टाइजमेंट बीइंग होस्टेड एट द केजीएमयू वेबसाइट और ए वी के एमयू एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी यहाँ, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि पेवर ऑनलाइन बाय लिंक गिवन एट द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑन वेबसाइट, शेड्यूल फी ये दी गई है, नॉन रिफंडेबल रहेगी आपकी, एज रिलैक्सेशन और एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में स्क्रीनिंग दी गई है यहाँ पर, कैसे आपकी स्क्रीनिंग रहेगी। और दोस्तों यार, इसका जो कंप्लीट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में बहुत अच्छा वीडियो मैं आपको कल सुबह में लेके आ जाऊंगा 12 बजे के आसपास, तो आप वो वीडियो जरूर से देखिएगा। तो चलिए गाइस चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, लव यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।